हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स, जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो लैंथेनॉइड्स तत्व होते हैं उनमें जब आयनन किया जाता है तो क्या बताया गया है कि प्रथम तीन आयनन जब किया जाएगा तो इनके लिए बहुत कम ऊर्जा है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, मतलब बहुत कम ऊर्जा पर ही उनका आयनन संभव हो जाता है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर सामान्यतः आयनिक यौगिकों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। किस तरह के यौगिक बनाए जाते हैं? आयनिक यौगिकों का यहाँ पर निर्माण होगा। और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो तत्व होते हैं इन तत्वों में जो प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थायित्व वाली होती है, सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाली। और इसी स्थायित्व के आधार पर जो अलग अलग यौगिक हैं लैंथेनॉइड्स इसमें बनाते हैं। और ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें अपन बात करें सामान्यतः लैंथेनॉइड इस प्रकार की आयनिक अवस्था भी प्रदर्शित करता है। और इस आधार पर जो लैंथेनॉइड्स है उनमें जो रिएक्टिविटी का जो गुण पाया जाता है उसकी यहाँ पर व्याख्या की जाती है। अब यहाँ पर अपन कुछ गुणों की व्याख्या यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इसमें अपचाय गुण, उसके बाद करेंगे विद्युत धनी प्रकृति, उसके बाद करेंगे इसमें जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या देखने को मिलता है, फोर्थ इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हैलोजन से अभिक्रिया, और लास्ट इसमें जो अधातु है उनके साथ अभिक्रियाएँ होंगी उनका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें जो पहला गुण है अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। पहले गुण में आपके इसमें दे रखा है कि अपचायक गुण। तो यहाँ पर देखो अपचायक गुण के बारे में क्या बताया गया है कि जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रकृति होती है, अतः ये यौगिक का क्या कर देते हैं या यूं कह दें कि क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या बताया गया है ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, प्रबल प्रवृत्ति होती है, तो ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और ऑक्सीकृत होकर प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या बताया कि लैंथेनॉइड्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं इसलिए स्वयं क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं और प्रबल अपचायक की तरह यहाँ पर व्यवहार करते हैं। जैसे अपन बात करें ये अवस्था पाई जाती है आपके लैंथेनॉइड में तो ये क्या होगा? Ln प्लस थ्री और तीन इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से इनमें निकल जाता है। और निकल जाता है इसीलिए क्या है? प्रबल अपचायक है, आयनिक यौगिक बनाएंगे। तो क्या बताया गया है यहाँ पर लैंथेनॉइड्स में क्या देखने को मिल गया? प्रबल अपचायक का गुण। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें विद्युत धनी प्रकृति। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इनके द्वारा या लैंथेनॉइड्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाते हैं?
त्याग हो जाते हैं। तो त्याग होने के फलस्वरूप सामान्यतः ये हैं प्रबल विद्युतधनी हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे आपके प्रबल विद्युतधनी हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप इनमें जो धात्विक प्रकृति है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा देखने को मिलती है। कि लेंथेनॉइड्स इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग करते हैं, त्याग करने के फलस्वरूप उनमें प्रबल विद्युत धनी गुण आ जाता है। तो इस अवस्था में जो गुण हैं सामान्यतः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए क्या है सामान्यतः इनमें धात्विक प्रकृति भी क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरे गुण की अपन बात करें यहाँ पर आपके तीसरा गुण है जल से अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जब लेंथेनॉइड्स की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो इनके द्वारा हाइड्रोजन गैस है वो क्या की जाएगी, मुक्त की जाएगी, और मुक्त करके ये क्या करते हैं जल के साथ आसानी से अभिक्रिया संपन्न कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पर इसके दो और इसके तीन अणु ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो लेंथेनॉइड्स का तो बनेगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो यहाँ पर देखें ये इसमें मुक्त हो जाती है। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर लेंथेनॉइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, लेंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड बना और साथ में H2 गैस है वो बाहर निकास हो जाती है या बाहर निकलती है। चौथी यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ये क्या करते हैं आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके ये क्या बना देते हैं जो लेंथेनॉइड है अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं इसमें इनके ऑक्साइड बना देते हैं। किस तरह से, इसकी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर इसका क्या बना दिया, इसने इसका ऑक्साइड बना दिया। तो क्या बताया है ऑक्सीजन के साथ लेंथेनॉइड अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लेंथेनॉइड का ऑक्साइड बनाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर किस तरह की जो अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया सामान्यतः उच्च ताप पर संपन्न होगी, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो यहाँ पर लगभग क्या बताया गया है कि 300 से 400 सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन के साथ क्या की जाएगी, इनकी अभिक्रियाएं की जाएंगी। और जब इनकी अभिक्रियाएं होती हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन इनके साथ क्या बना देगा, इनके हाइड्राइड्स का निर्माण करेगा। और ये जो अभिक्रिया है सामान्यतः एक बैलेंस रूप में संपन्न नहीं होती, मतलब इनका एरस सममितीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं ये
अनबैलेंस रूप में क्या होगी, यहाँ पर संपन्न होगी। और इनके द्वारा जो हाइड्राइड्स बनाए जा रहे हैं सामान्यतः LnH2 या LnH3 के रूप में यहाँ पर इनके हाइड्राइड्स हैं वो बनेंगी। तो क्या बता रही है, हाइड्रोजन के साथ लेंथेनॉइड अभिक्रिया करके उच्च ताप पर इनके हाइड्राइड्स हैं उनका निर्माण करते हैं। और सामान्यतः जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये अरस समीकरण व्यवस्थित रूप से बनाते हैं, मतलब यहाँ पर ये देखो H2 बन रहा है और यहाँ पर 3 अवस्था में बन रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों ही तरह के क्या बनाए जाएंगे, हाइड्राइड हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं हैलोजन से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब हैलोजन है लेंथेनॉइड के साथ अभिक्रिया करती है तो लेंथेनॉइड के साथ अभिक्रिया करके ये इनके ट्राई हैलाइड्स हैं उनका निर्माण करें, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पर ये इस अवस्था में पाए जाते हैं। लेंथेनॉइड्स किस अवस्था में पाए जाएंगे, Ln+3 अवस्था में पाए जाएंगे। तो जब इनके द्वारा हैलाइड बनाए जाएंगे सामान्यतः ट्राई हैलाइड्स बनाए जाएंगे, और वो भी किस प्रकृति के होंगे, आयनिक प्रकृति के यहाँ पर ट्राई हैलाइड्स हैं वो पाए जाएंगे। तो अपन Ln3X2 इसके साथ अभिक्रिया होगी तो आपके बन जाएगा 2Ln(X3)। मतलब क्या होता है, क्या बन जाएगा, लेंथेनॉइड्स के ट्राई हैलाइड्स का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, सामान्यतः ये इसमें देखने को मिलता है। अब अपन इसमें लास्ट बात करें कि अधातुओं के साथ अभिक्रियाएं, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सामान्यतः लेंथेनॉइड अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके उनके यौगिकों का निर्माण करता है, या अपन यूँ कह दें कि द्विअंगी यौगिकों का यहाँ पर निर्माण होगा, जिसमें अपन बात करें अधातुओं के अंदर कार्बन हुई, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सारे तत्व क्या हैं, इसके साथ अभिक्रिया करके इनके द्विअंगी यौगिक बनाएंगे। जैसे अपन बात करें अधातुओं से अभिक्रिया, जहाँ अपन बात करें जो है धातु कौन कौन सी है, तो सामान्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या इन ग्रुप से रिलेटेड कोई भी अपने हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो अभिक्रिया किस तरह से होंगी, अब यहाँ पर जो अभिक्रियाएँ हो रही हैं धातुओं से सामान्यतः उच्च ताप पर ही संपन्न होगी, निम्न ताप पर ही अभिक्रियाएँ आसानी से संपन्न नहीं होती हैं। 2Ln+3C2 या 3C ले लें तो यहाँ पर Ln2C3। तो क्या देख रहे हैं अपन कि द्विअंगी यौगिक बन गया लेंथेनॉइड का। इसी तरह से बात करें यदि यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन हो तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगी सामान्यतः अपने कहें कि यहाँ पर ये 2 है और ये 2 अवस्था में लेंगे, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है सामान्यतः 2500 सेंटीग्रेड ताप पर यहाँ पर अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन देखें ये जो अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर आपके 2Ln(N) का निर्माण हो जाता है, मतलब लेंथेनॉइड का द्विअंगी यौगिक बन जाता है। इसके अलावा बात करें यदि यहाँ पर
सल्फर के साथ अभिक्रिया होती है, तो सॉरी यहाँ टेम्परेचर आपके 1000 सेंटीग्रेड है और 2500 यहाँ पे 2500 सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर भी आपके क्या होगा, इसी का द्विअंगी यौगिक है वो बनाया जाएगा। तो अपन इसमें कहें LN2S2 इसका द्विअंगी यौगिक है वो बनाया जाएगा। तो अपन ने देखा कि सामान्यतः जो अधातुओं के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो लेंथेनॉइड यहाँ पर क्या बनाएगा, इनके द्विअंगी यौगिक बनाएगा, और द्विअंगी यौगिक बनाकर उच्च ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है और उसमें लेंथेनॉइड इस तरह से अपने गुण प्रदर्शित करेगा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप उसको ग्रुप में शेयर करेंगे और साथ में देखेंगे कि लेंथेनॉइड्स में जो अभिक्रिय अपने रिएक्टिविटी या इसकी क्रियाशीलता के बारे में जो पढ़ा है, यहाँ से जो सवाल है मुख्यतः यहाँ पर एक तो इनकी अपचायिक प्रकृति और विद्युत धनी प्रकृति है, यहाँ से ज़्यादातर जो सवाल हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का गुण देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अपन जो द्विअंगी यौगिक बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 3 लेना है, इस तरह से क्या बन जाएगा, इनमें द्विअंगी यौगिक का इसमें निर्माण कर दिया जाता है। तो लेंथेनॉइड्स जो हैं उनमें इस तरह के गुण देखने को मिल रहे हैं। लास्ट इसमें एक टॉपिक और रहा है, इसमें जो लेंथेनॉइड्स हैं उनके यूजेस, उनके उपयोग किस तरह से हैं, अपन उनकी बात जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स वगैरह हैं आप बनाते रहें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।